जैसा कि अभी जानते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें तमाम पार्टीज आई थी और एवरीबडी यू नो एक्सप्रेस जो इस वक्त की सिचुएशन है उसको लेके सारे कंसर्न थे। जो हलाकतें हो रही हैं, जिस तरह हमारे जो जवान बच्चे बंदूक की तरफ माइल हो रहे हैं और स्टोन पेल्टिंग हो गई है, जिसमें परसों जो हमारा तमिलनाडु का एक छोटा बच्चा जो है उसमें कोई 22 साल का लड़का उसमें मारा गया, और सिचुएशन जो पिछले काफ़ी देर से जो हो रही है उसको लेके बातें हुई। पर एक बात अच्छी इसमें ये हो गई कि जो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है कि वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, इसमें सब पार्टीज़ का ये कहना था कि उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक रोड मैप है, चाहे डायलॉग की बात है, चाहे बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, चाहे दूसरे रास्ते खोलने की बात है, चाहे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात है, रिकंसिलेशन की बात है। तो कहीं ना कहीं सबका ये मानना था कि जो एक एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी और बीजेपी के बीच में एक मुहैदा हुआ है उस पर अमल आवरी होने से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। और दूसरी बात ये भी होगी कि सबका ये था कि हम सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमज़ान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउंस हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने जिसमें ईद भी अच्छी हो और यात्रा भी अच्छी तरह गुजरे। और इसके अलावा ये भी कई लोगों का था सजेशन कि हम सब मिलके ऑल पार्टी डेलीगेशन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लीडरशिप को उनके साथ वो मशवरा करेगी कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनको अपना जो कंसर्न है जम्मू कश्मीर के हालात को लेके उनको कंसर्न एक्सप्रेस करें और उनको गुजारिश करें कि वो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 15 अगस्त को ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने वाली बात कही थी, तो उसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करें।